नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कह दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, याद से वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। एक स्फीयर था, उसको मेल्ट किया। अच्छा, वो स्फीयर का जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको आपने पिघलाया और पिघला के क्या कर दिया, छोटे छोटे नंबर ऑफ कोन्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब उसको मेल्ट करके एक नई शेप दी और उन शेप में क्या बनाया हमने, कोन बनाया। काफ़ी सारे कोन में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिनका रेडियस, उन कोन का रेडियस जो था 3.5 सेंटीमीटर था और उनकी हाइट जो थी वो क्या थी, 3 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किया और इसको क्या शेप दी, नंबर ऑफ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्या करे, कोन क्रिएट करे जिनका जो रेडियस है, रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। फाइंड दी नंबर ऑफ कोन सो फॉर्म, इस तरह से कितने कोन बनेंगे आपने ये बताना है। अब देखो, एक बात सुनो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है कि जब भी ऐसा पूछा जाए नंबर ऑफ कोन्स वगैरह, तो इसको मेल्ट करके ये बनाया, ये बड़ा था, यानी कि जितना वॉल्यूम इसका रहा होगा उतना ही वॉल्यूम जितने भी कोन बनाए होंगे इक्वल होगा, है ना। अब नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को डिवाइड करना पड़ेगा आपको वॉल्यूम ऑफ कोन से। ठीक है, स्फीयर का जो वॉल्यूम आया उसको डिवाइड करना पड़ेगा किसके वॉल्यूम से, कोन के वॉल्यूम से। तो ये पता लग जाएगा कि वो वॉल्यूम कितने, इस तरह के वॉल्यूम में कितने में क्या हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। इसका आर हमने कैपिटल ले लिया, इसका आर हमने स्मॉल ले लिया। और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर आप कैंसिल करें अगर हम, तो 1/3 यहाँ पे भी है, 1/3 यहाँ पे भी है, तो 1/3 से तो 1/3 क्या हो गया, कैंसिल। इस पाई से ये पाई भी क्या हो गया, कैंसिल। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, जितना कट रहा है वो तो काट ही दें, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। आर क्या क्यूब, यानी कि 10.5 × 10.5 × 10.5 और ये वाला 4, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 4, डिवाइड करना है आर स्क्वायर 3.5 × 3.5 × एच इज व्हाट, 3। अब कैंसिल करना शुरू करते हैं, तो 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 10 और ये कैंसिल हो गया 3 से, इसी तरह से ये भी कैंसिल हो गया 3 से, और 3 × 3 = 9 × 3 = 15, 3.5 ये भी हो गया इससे कैंसिल। तो यानी कि नीचे तो कुछ नहीं बचा, अब हमारे पास नंबर जो बच गए वो बच गए हमारे पास 3 × 3 × 3.5 × 4। अरे भाई 3.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 10.5 आएगा, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया और 3 से ये वाला कैंसिल कर दिया, 3.5 कैंसिल हो गया। अब आगे सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 36, 3.5 को मल्टीप्लाई किया 36 से। तो देखो 2 का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो डिजिट का, वो कैसे करते हैं, 35 और 36 है, मल्टीप्लाई कर दें। पहले इसको इससे 5 × 6 = 30, 0 कैरी गया 3, इसको 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15, 18 × 15 = 8, 5 × 13, 18 × 15 हो गए 33 और 3 = 36 कैरी 3, 3 × 3 = 9 × 3 = 12, 1260, 1260, लेकिन 1 के बाद डेसिमल है तो यहाँ लगा दिया, तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ कोन आ गए कितने, 126। इस दो डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने के शॉर्टकट ट्रिक है, नहीं तो आप नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो 126 के आगे कोन आ गए, यानी कि कितने नंबर ऑफ कोन बनेंगे उससे, 126। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 126। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ कोन, कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड में डिवाइड किया, तो जिसको मेल्ट किया गया उसका वॉल्यूम ऊपर रहेगा और जिस जितने में उनको शेप दी गई है, जिसके नंबर ऑफ शेप्स दी गई हैं उसका वॉल्यूम क्या, नीचे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ कोन, ऑब्वियसली जो वॉल्यूम ज़्यादा रहा होगा वो ऊपर जाएगा और जो नीचे रहा होगा वो, जो कम रहेगा वो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, 126। तो नंबर ऑफ कोन जो है वो क्या है आपके, 126। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि डिवाइड क्यों किया जा रहा है। देखो एक बात समझो, इसका रीज़न भी बता देता हूँ मैं कि ऐसा डिवाइड किया क्यों जा रहा है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है, आपने हर एक बच्चे को,
यानी कि अगर मैं कहूँ 100 रुपीस को 10-10 के पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, मतलब एक बच्चे को 10 रुपए दिए, दूसरे बच्चे को भी 10 रुपए दिए, इस तरह से 10-10 रुपए बांटे, तो आपने 10 रुपए कितने बच्चों को बांटे होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, जो टोटल अमाउंट थी और डिस्ट्रीब्यूशन कितने का किया हर एक बच्चे में 10-10 रुपीस का, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल बच्चे कितने थे, 10 थे। तो यहाँ पे भी वही किया है, इस वॉल्यूम को हमने इतने इतने वॉल्यूम में क्या किया है, डिवाइड किया है, तो टोटल वॉल्यूम को उस डिवाइड वाले पार्ट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने का, तो हमें यह पता लग जाएगा कि कितने पार्ट में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। यहाँ पे भी यही बताना था कि कितने इस वॉल्यूम के कितने छोटे छोटे क्या बनाए गए होंगे, कोन बनाए गए होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ कोन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।